आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, चाहे हम लोग किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हों, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस सेक्टर में हो, मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, रिलायंस, पतंजलि, इन्फोसिस, विप्रो, जहाँ पे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और इसीलिए वो कामयाब हुए। उसके साथ साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया और इसीलिए उनका बिजनेस कम हो गया, घाटे में आ गया, और कुछ कंडीशंस में तो बिजनेस को हमने बंद होते हुए भी देखा है। कई एग्जाम्पल आपके सामने, आप देखेंगे आसपास तो आपको मिलेंगे। रिसेंटली आप अपना किंगफिशर एयरलाइंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सर सत्यम कंप्यूटर्स का पुराना एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ऐसे कई कंपनीज हैं जो कि अच्छे मैनेजमेंट के कारण वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती, बहुत पोटेंशियल इन कंपनीज के अंदर था। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को लेकर दो प्रकार की अप्रोच या डेफिनेशन है। पहली जो अप्रोच या डेफिनेशन है वो कहती है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर। वैसे ही एक किसी ऑथर ने कहा है कि मैनेज द मैन टैक्टफुली। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट की डेफिनेशंस अलग अलग ऑथर ने अलग अलग दी है। मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर भी हम लोग बहुत सारी चीजें हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। जैसे मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, प्लान, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, डायरेक्शन एक्सेट्रा। सो इस प्रकार से मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस इस डेफिनेशन में बताए गए हैं, है ना। और भी डेफिनेशंस है, कोई डेफिनेशन कहती है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव गोल एक्सेट्रा। सो मैनेजमेंट के बहुत सारे अप्रोचेस हैं। तो ये था मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फीचर के बारे में, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। सबसे पहला जो मैनेजमेंट का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, कि मैनेजमेंट एक टारगेट ओरिएंटेड वर्क है, एक प्रोसेस है। अगर मैनेजमेंट कोई भी काम करती तो उसको कुछ चीज अचीव करनी है, कुछ टारगेट अचीव करना है। इसीलिए मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ टारगेट ओरिएंटेड वर्क, इट इज अ टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस। अगली चीज है, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट में जो भी काम हम करते हैं, ठीक है, पूरे दुनिया के अंदर मैनेजमेंट को है ना कि जरूरत है, सारे देशों में, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे हमारे पड़ोसी देशों के अंदर हो, नेपाल, श्रीलंका, है ना, या फिर अमेरिका, दूर जैसे देशों में, सब जगह पे एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड यूनिवर्सल प्रोसेस। अगला है कंटिन्यूस प्रोसेस है, डे टू डे बेसिस पे हमको मैनेज करना पड़ता है अपनी चीज़ों को, अपने ऑपरेशन को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को अच्छे से मैनेज करें। अगली जो फीचर मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज द टीम वर्क। मैनेजमेंट में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम के साथ में काम करना पड़ेगा। ये एक इंसान का काम नहीं है, आपको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ टीम एफर्ट। अगला पॉइंट जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रकार के फंक्शंस है, बहुत सारे प्रकार के काम हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ करना। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन प्रोसेस और फंक्शन। आगे एक और फीचर है इसका कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कोई एक इंसान नहीं, मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल अथॉरिटी है, है ना, एक इंटेंजिबल फोर्स है। जो भी व्यक्ति उस पोस्ट पे बैठता है उसके पास कुछ अधिकार, कुछ पावर, कुछ राइट्स आते हैं। सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो दोस्तों, ये थे हमारे मैनेजमेंट को लेकर कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट, सबसे पहला मैनेजमेंट जो काम करता है वो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। एफिशिएंसी इंप्रूव करने से मतलब ये है कि हम लोग जो काम जिस प्रकार से कर रहे हैं उसको और अच्छे से अच्छा कैसे कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ कम कीमत के ऊपर हम कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट हमें बताता है, सिखाता है, डायरेक्शन देता है, ट्रेनिंग देता है, हर चीज गाइडेंस देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम मैनेजमेंट हमारे लिए करता है। अगला पॉइंट है, मैनेजमेंट
हेल्प अस टू अचीव द टारगेट। मैनेजमेंट हमें टारगेट को मदद करता है अचीव करने में। जैसे अगर हम लोगों ने हमारा मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, और हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया कि हम एक एक महीने में 10 लाख यूनिट्स बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, हमारे वीकली बेस पे क्या टारगेट्स होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, ये हमें मैनेजमेंट बताएगा। सो मैनेजमेंट हेल्प अस टू अचीव द टारगेट। अगली चीज़ जो है वो है मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, अच्छी जॉब्स, अच्छी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, अच्छी इनकम प्रोवाइड करके, बिजनेस सोसाइटी में जॉब्स सोसाइटी के ग्रोथ में हेल्प करती है, सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगला है मैनेजमेंट जो है वो लोगों को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है कि वो काम अच्छे से अच्छा करें, और ये बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं हो सकता। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंस है सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट का बताती है वो है पर्सनल ग्रोथ। इसीलिए पर्सनल ग्रोथ मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट आपको आपकी अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करेगा और आपको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे मैनेजमेंट के जो हमारे इसके इम्पोर्टेंस को बतलाते हैं, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, अचीविंग द टारगेट, डेवलपिंग द सोसाइटी, पर्सनल ग्रोथ, कीप मोटिवेशंस। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आगे आते हैं हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा है लो या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, ये जो सारे टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जिन्होंने कंपनी के में सबसे डिसीजन मेकिंग पावरफुल लोग होते हैं, तो ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सेकेंड नंबर पर हम लोग देखेंगे मीडियम लेवल मैनेजमेंट को। मीडियम लेवल मैनेजमेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि रीजनल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, स्टेट मैनेजर, इस प्रकार के जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं वो सारे हमारे यहाँ पर मीडियम लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के से बात करके उनके लिंक के रूप में काम करते हैं और सुपरवाइजर लेवल से काम करवाते हैं उसे, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका, ऐसा कनेक्शन बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बॉटम लेवल मैनेजमेंट ये काम करते हैं। अगला है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। जो भी हम प्लान करें अगर वो एग्जीक्यूट ना हो तो सारे मैनेजमेंट फेल है। इसीलिए मैनेजमेंट में लो लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डे टू डे बेसिस पे अपने वर्कफोर्स को संभालना, उनसे काम निकलवाना, ये हमारा सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के लोग कर पाते हैं। सुपरवाइजर, उसके बाद में जो इंचार्ज, जितने भी इंचार्ज होते होंगे वहाँ पे, ग्रुप इंचार्ज या टीम लीडर जो ग्रुप के ऊपर होते हैं, वो सारे फोरमैन वगैरह सारे जो है वो हमारे सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। आज ये था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कई फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारे मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्लानिंग के डायरेक्शंस नहीं मिलेगी। लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्टाफ लेके आना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो इस प्रकार के ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। अक्सर ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या एक प्रोफेशन है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट आर्ट, साइंस और प्रोफेशन तीनों हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में लिविंग बींग्स को, लिविंग थिंग्स को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में केमिकल्स को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, किस जगह पे वो लोकेटेड हैं। तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी हम बिजनेस को, बिजनेस मैनेजमेंट को बड़े डिटेल में समझते हैं। इस प्रकार से मैनेजमेंट भी किसी और साइंस की तरह एक साइंस है, मैनेजमेंट भी एक साइंस है, सिस्टमेटिक बॉडी है।
सेकेंडली अपन और भी समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे कि साइंस में भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस होती है, तो इस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ये भी मैं कह सकता हूँ। तीसरा पॉइंट जो है, जो अगला अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये मैनेजमेंट आर्ट है? यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जैसे हम बात करते हैं किसी डांस की या किसी म्यूजिक की या किसी और आर्ट की, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, और साथ ही साथ में ये एक पर्सनल स्किल भी है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी हमें इसे सीखना पड़ता है प्रैक्टिस के जरिए, ये एक पर्सनल स्किल है, इसीलिए मैं कहता हूँ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। बात करते हैं अगला जो टॉपिक है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। जैसे हम सारे प्रोफेशंस को देखें, डॉक्टर्स को हम देखें, इंजीनियर्स को देखें, लॉयर्स को देखें, इन सारे प्रोफेशन के अंदर भी उन लोगों को पहले अपने डिग्री लेनी पड़ती है। अगर वकील बनना है तो LLB की डिग्री, इंजीनियर के लिए BE, MBBS, सारी डिग्रीज हैं। तो हम मैनेजर्स के लिए भी MBA के अंदर मैनेजमेंट में MBA की डिग्री मिलती है। जिस प्रकार से डॉक्टर्स के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, हमारे भी इंजीनियरिंग, हमारे भी MBBS, हमारे भी BA कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है और बहुत अच्छी अर्निंग कैपेसिटी, इसमें पोटेंशियल है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसके अंदर। सो यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। सेकेंडली, मैनेजमेंट में जैसे किसी भी प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनकी काउंसिल होती है, हमारे यहाँ पर भी मैनेजमेंट भी कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे भी एसोसिएशन है। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट इज, यस, इट इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे जो आज के फाइनल टॉपिक पे है, दैट इज मैनेजमेंट इज एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इसीलिए एसेंस है क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम कामयाब नहीं हो सकता, अगर आपने सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोऑर्डिनेट नहीं किया। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, बिना इसके ये कोई भी जो प्लानिंग हमने बनाई है, जो ऑर्गेनाइजिंग करी, कितना अच्छे से अच्छा स्टाफ हम लेके आए हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे सारे डिपार्टमेंट, सब लोग मिलके अच्छे से बढ़िया तरीके से काम करें, कोऑर्डिनेशन से काम करें, टीम वर्क के साथ काम करें, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। तो मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यस, इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम कई वीडियोस बिजनेस स्टडीज के बारे में देने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो आप लोगों को BS में या कॉमर्स में दें तो आपको पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।